Next example regarding pointer increments. In that case, we are using two different types of variables. X ka type found is a integer pointer. Sorry, X is a primitive integer variable. Lekin P ka type kya hai? Character pointers. Is write down ke hua P equals to M percent of X. Is place par kya hai? Address of X. Aur X ka address kis type ka hua? Int star ke form mein. असाइनमेंट किस में हो रहा है पी में तो पी का डेटा टाइप क्या फाउंड हो रहा है कैर स्टार अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस केस में दोनों ही डेटा टाइप्स कैसे हैं डिफरेंट इनकॉम्पैटिबल टाइप्स इन दैट केस इस केस में रिक्वायर्ड किया हुआ टाइप कास्टिंग मींस कुछ कंपाइलर्स के केस में असाइनमेंट डायरेक्टली पॉसिबल मींस सिंपली क्या रहेगा ओनली वार्निंग्स लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा रिक्वायर्ड किया हुआ टाइप कास्टिंग हियर असाइनमेंट किस में हो रहा है इस केस में P में P का टाइप कैर स्टार है इसलिए कन्वर्जन भी किस फॉर्म में हुआ कैर स्टार्स के फॉर्म में इज द परफेक्ट वे क्लियर नेक्स्ट वन मोर थिंग्स यहाँ कैरेक्टर पॉइंटर है P का टाइप कैरेक्टर पॉइंटर तो कैरेक्टर पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे ओनली वन बाइट्स जबकि X इटसेल्फ कितने बाइट का एड्रेस होगा टू बाइट्स का क्योंकि X का टाइप क्या है इंटीजर चेक इट फर्स्ट वन यहाँ कैरेक्टर पॉइंटर वन बाइट पॉइंट करें इसलिए स्टैक डायग्राम में क्रिएट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ ईच ब्लॉक हैविंग वन बाइट साइज मीन्स अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस अगर 100 है देन नेक्स्ट ब्लॉक का मैं एड्रेस कंसीडर करना चाहिए 101 99 98 एंड सो ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग वेरिएबल एक्स एक्स का टाइप क्या है इंटीजर इंटीजर तो एक्स के केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे देयर आर टू बाइट्स विल बी एलोकेटेड फॉर वेरिएबल एक्स और x इज अ नेम ऑफ टू बाइट्स यानी आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी तभी आपके लिए आउटपुट प्रॉपरली कंसीडर करना पॉसिबल है x इक्वल्स टू 260 वी आर असाइनिंग x इक्वल्स टू 260 x के पास रियल में कितने बाइट्स हैं टू बाइट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने बिगनिंग सेशन में आपको काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन किए थे सेम केस अगेन रिपीट होगा इस केस में इन दैट केस x में क्या आसान हो रहा है 260 के केस में बात करें तो वेरिएबल के अंदर कोई किसी वेरिएबल के अंदर डेटा वाले बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है ना कि डायरेक्ट फॉर्म तो इसलिए रिक्वायर्ड किया बाइनरी नंबर ऑफ 260 इज इक्विवेलेंट टू कैन बी रिटन एज 256 प्लस 4 देन फाइनल इस केस में टेबल क्या रहेगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 260 बिकॉज टू द पावर 8 एंड टू द पावर 2 टू द पावर 8 इज 256 256 प्लस 4 इज 260 बाइनरी नंबर ऑफ 260 टोटल मीन्स 260 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट कितने बिट्स में हुआ 9 बिट्स में लेकिन x के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं 8 बिट प्लस 8 बिट मीन 16 बिट्स मीन्स 9 बिट का डेटा कितने बिट्स में असाइन करना 16 बिट्स में अगर आप 16 बिट में डेटा असाइन कर रहे हो पहले से इन्फॉर्मेशन को 16 बिट में कन्वर्ट करना कंपलसरी तो 16 बिट कन्वर्ट करने के लिए रिमेनिंग बिट्स इस केस में एज्यूम कर लेंगे एज अ 00 लाइक दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट 8 बिट दिस इज नेक्स्ट 8 बिट्स टोटल बिट्स कितने इस केस में 16 बिट्स देन फाइनली अब ये इन्फॉर्मेशन आसानी किस में कराएंगे लोकेशन एक्स में तो एक्स के पास टोटल बाइट्स कितने हैं टू बाइट्स 100 and 101 तो सबसे पहले स्टैक में डेटा किस डायरेक्शन में असाइन कराएंगे बॉटम टू अप डायरेक्शंस मीन्स ए पर्टिकुलर बाइट असाइन किस प्लेस पर होगा इन लोकेशन 101 सेकेंड बाइट किस लोकेशन में असाइन होगा लोकेशन 100 मीन्स दिस वन इज गोन टू गो इन साइड 101 दिस डेटा इज गो इन साइड 100 इन दैट केस फाइनली वन मोर थिंग्स एक्स के पास टोटल टू बाइट्स हैं लेकिन एक्स के लिए टोटल साइन बिट्स कितने एलोकेट होंगे ओनली वन बिट तो साइन बिट किस बिट में कंसीडर होगा 100 में और 101 में चेक करो एक्स का साइन बिट 0 किस प्लेस पर स्टोर हुआ 101 लोकेशन में या 100 लोकेशन में 101 इसलिए साइन बिट भी किस बाइट से रिप्रेजेंट होगा 101 से एक्स के रिस्पेक्ट में नॉट फॉर अदर्स फाइनली एक्स में 101 लोकेशन में क्या आसान हो जाएगा 0001 मीन्स दैट थिंग्स 00001 एक्स के सेकेंड प्लेस पर क्या आसान होगा 4 times 1 4 times 0 0100 4 times 0 0100 दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 260
inside x. नेक्स्ट थिंग्स, सेकेंड केस में एक और वैल्यू लिख लिया हुआ p, p का टाइप क्या है पॉइंटर, पॉइंटर के लिए टू बाइट्स एलोकेट होंगे, लेकिन p में असाइन किया हुआ एड्रेस ऑफ x, x के एम्परसेंड ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ इट्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है x का 100, बेस एड्रेस मीन्स लोअर बाइट एड्रेस 100 इज असाइन टू द p, मीन्स p के अंदर अगेन बाइनरी फॉर्म में असाइन किया हो जाएगा 100, p किस लोकेशन को पॉइंट करेगा इस केस में 100 लोकेशंस, लेकिन क्वेश्चन क्या है इस केस में x का साइज 2 बाइट है, लेकिन p कितने बाइट्स पॉइंट कर सकता है ओनली 1 बाइट बिकॉज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर कैन पॉइंट ओनली 1 बाइट्स, प्लस एक किस प्लेस से पॉइंट करना स्टार्ट करें फ्रॉम 100 लोकेशंस, और 100 लोकेशन से ओनली सिंगल बाइट पॉइंट होगा, इसलिए स्टार p किस लोकेशन का नेम है, अगर इस पॉइंटर का टाइप इंटीजर पॉइंटर होता है दोनों ही बाइट का नेम क्या होता है इस केस में स्टार p, लेकिन पॉइंटर का टाइप क्या है कैरेक्टर पॉइंटर, इसलिए स्टार p कितने बाइट्स का नेम है ओनली नेम ऑफ 1 बाइट, इस सिंगल बाइट का नेम क्या है स्टार p, x का साइन बिट क्या है 0, स्टार p का भी साइन बिट क्या है 0, नेक्स्ट केस में डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाउंड हो रहा है x मीन्स कंप्लीट 2 बाइट्स, इन कंप्लीट 2 बाइट्स से क्या कौन सा डेटा मिल गया, कौन सा डेटा बन रहा है 260, इसलिए x के केस में क्या प्रिंट हुआ 260 और द वैल्यू ऑफ स्टार p, स्टार p मीन्स वैल्यू ऑफ लोकेशन 100 ओनली, लोकेशन 100 में क्या स्टोर है ओनली दैट डेटा, साइन बिट 0 है इसलिए नंबर पॉजिटिव है, प्लस इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 4, इसलिए स्टार p के केस में क्या प्रिंट होगा ओनली 4, फाइनल आउटपुट क्या है इसका 260 एंड 4।